क्या करें अम्मी? बेटा ये मैंने तुम्हारे लिए निकाला है, देखो। मैं ना तुम्हें भूल गई थी देना, हमारे बाबा ने खास मेरे लिए बनवाया था। ये तो बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है ना, देखो रंग भी कितना जचेगा तुम पे। नई नवेली दुल्हन हो ना, बन सवर कर रहा करो ताकि लोगों को पता तो चले। अम्मी आप जानती हैं मुझे ये सब नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? बेटा अभी तो तुम्हारे बनने संवरने के दिन है, खैर से सुहागन हो, और सुहागन को अपने शौहर के लिए तैयार होने का तो हुक्म अल्लाह ने दिया है। अब मैं अम्मी को क्या बताऊं, क्योंकि बेटी अब सुहागन नहीं रही, मुतलक्का हो चुकी है और इद्दत में है। भला इद्दत में बन सवर कर क्या करूंगी? तुम क्या सोच रही हो? चाय पियो, ठंडी हो रही है। पहले ये रख दूं फिर पी लूंगी। समेट क्यों रही हो? मैं बना रही हूँ तुम्हारे लिए, जब उम्र आएगा तो तब तुम पहनना। रानिया बीबी आप तो अब चंद दिन की मेहमान रह गई हैं इस घर में, अब आप तो रेहान साहब के कमरे में चली जाएंगी। दूसरे कमरे में ही जा रही हूँ, इस घर से तो नहीं जा रही ना। वैसे आपके तो अब नए नए जोड़े बनेंगे, ये वाला जोड़ा आप मुझे दे देना ना। कितनी लालची हो ना तुम, हर वक्त कुछ ना कुछ मांगती रहती हो बस। आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? आपके बड़े बड़े काम भी तो किए ना मैंने। तो मुफ्त में तो नहीं किए तुमने मेरे काम, अच्छा खासा मुआवजा लिया है। अच्छा छोड़े, नाराज ना हो। वैसे रानिया बीबी किसी को तो शक भी नहीं हुआ कि मैंने जाके वो सारे जेवर रोशनी बीबी के कमरे में जाके रखे थे। सब बोल, सुन लेगा कोई, दीवारों के बिकान होते। क्या बोला तुमने? तो ये घटिया हरकत तुमने की थी? तुम अचानक? I can't believe it. ये सब तुमने किया? क्यों? मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए था कि तुम्हारा कोई हाथ होगा इसमें। क्यों? क्या बिगाड़ा उस बेचारी ने तुम्हारा? कहाँ जा रही हो तुम? वो साहब जी मैं। तुम यहां से हिलोगे नहीं, सुना तुमने? क्या हो गया रयान, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकती होगी तुम, लेकिन मेरी नहीं। जानता हूं तुम्हें मैं। क्या कहा है इसने तुमसे? कुछ नहीं। बोलो। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो रानिया बीबी ने कहा था कुछ करने के लिए। रोशन बीबी के कमरे में जेवर भी इन्होंने रखवाए थे, मैंने कुछ नहीं किया साहब जी। अब बताओ और सबके सामने बताओ, किसने तुम्हें कहा था कि रोशनी के कमरे में वो जेवर रखो? मुझे मेरे गुड्डू की कसम साहब जी, मैंने बेगम साहबा के कमरे से जाकर जेवर नहीं चुराया। झूठ! मैंने खुद अपने कानों से सुना है। बोलो अब, बोलो किसने तुमसे कहा था कि रोशनी के कमरे में वो जेवर रखो? बोलो, ये जो झूठी कसमें तुम गुड्डू की खा रही हो ना, उसे ऐसी जगह ले जाऊंगा कि कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। नहीं नहीं साहब जी, वो मैं सब बताती हूँ। बोलो। रानिया बीबी के कहने पे मैंने जेवर रखा था बीबी के कमरे में। हमारी क्या औकात जी हम ऐसा करें? झूठ, झूठ बोल रही है ये, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ तुम बोल रही हो, सुना आप सबने, सुना क्या कह रही है ये? ये सिर्फ मुझे फंसाने के लिए बोल रही है मामा। मामा, मुझे थप्पड़ मारा। काश ये थप्पड़ मैंने बहुत पहले तुम्हें मार दिया होता, आज मुझे सबके सामने शर्मिंदगी न उठानी पड़ती। चली जाओ यहां से, तब आ जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं
तुमसे शर्मिंदा हूं। अपनी बेटी की वजह से मैंने खामखा रोशनी पर इल्जाम लगाया। नहीं नहीं बेगम साहबा जी, आप भला क्यों माफी मांग रही हैं? गलती हमारी है तो हमें ही माफी मांगनी होगी ना। इस घर के असूल सबके बराबर हैं। रयान, तो मुझे रोशनी के पास ले चलो बेटा, मैं उससे माफी भी मांगूंगी और उसे मना के घर भी वापस ले आऊंगी। कोई बात नहीं पप्पो, मैं उसे खुद ही ले आऊंगा। बेटा मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, आज जो कुछ भी हुआ है इस बात को यहीं दफन कर देना, वरना मेरी सबके सामने बहुत इंसल्ट होगी। पप्पो अगर आप इसी तरह दूसरों के गुनाहों पर भी पर्दा डाल दें तो इस बात की नौबत ही ना आती। कहाँ जा रही हूँ रानिया? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आपको बताने की पाबंद नहीं हूँ मैं। यानी कि तुमने ठान ली है माँ को जलील करवाने के लिए? आप ही का मसला हल कर रही हूँ। जा रही हूँ मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने डैडी के पास। गलती पे गलती कर रही हो और ऊपर से हठधर्मी भी दिखा रही हो। तुम्हें अंदाजा है मैंने कितनी मुश्किलों से उनका गुस्सा ठंडा किया? तो किसने कहा था ना करती आप? तुम्हारा क्या ख्याल था अब्बा जी और अकील तक ही मैं ये बात पहुंचने देती कि तुम किस कदर खुसर और जिद्दी हो? तो आपको क्या लगता है हुमानी जान ये बात अपने तक रखेंगी और किसी से नहीं कहेंगी? तुमने कभी दिल में जगह बनाने की कोशिश भी तो नहीं की है रानिया। रयान सिर्फ मेरा है मामा, सिर्फ और सिर्फ मेरा, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। दिल जीतने के लिए खुद को झुकाना पड़ता है। यूं हंटर ने चलाए जाते बेवकूफ लड़की, और रयान का दिल जीतने के बजाय उल्टा तुम घटिया चाले चलने लगे। मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। ठीक है रानी, अब तुम मेरे पास फिर रोती भी मत आना। और याद रखना, आज तुम इस घर से चली गई ना, इस घर के दरवाजे मैं खुद तुम्हारे लिए बंद करूंगी। और तुम अच्छी तरह जानती हो मैं अपना फैसला नहीं बदलती। रानिया, अभी तक मुझसे नाराज हो? बेटा ये ड्रामा करना मेरी मजबूरी थी। तुम समझने की कोशिश करो ना रानिया, मैं नहीं चाहती थी कि अकील और अब्बा जी तक ये बात पहुंचे, वरना वो तुम्हारी और रयान की शादी के लिए कभी भी हामी नहीं भरते। रिश्ते टूटना इतनी छोटी बात है मामा, कि जरा सी बात पे टूट जाएंगे? नहीं टूटेंगे बेटा, तुम तो आशा को जानती हो ना, तुम्हारी जरा सी गलती का बहाना बना सकती है वो। उनके सामने मुझे मार के आपने खुद उन्हें शह दी है मामा। अब वो जितना मर्जी बुरा कर ले मेरे साथ कम है जितना आप अपनी बेटी के साथ कर चुकी हैं। रानिया मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी बेटा? लेकिन उन्हें तो यकीन दिला चुकी है ना आप कि मैं बुरी और साजिशी लड़की हूँ। मैं सब संभाल लूंगी। क्या संभालेंगी आप? सबके सामने तमाशा लगा के संभालेंगी? बजाय क्या मुझे डिफेंड करती हैं, आपने मुझे चोर बना दिया मामा। रानिया ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज प्लीज मामा, मेरे लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। रानिया रानिया मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ मत समझाएं, मैं कुछ समझना ही नहीं चाहती। मुझे प्लीज आप मेरे हाल पर ही छोड़ दें। दादा जान ने खुद तुम्हारी सरपरस्ती करने का वादा किया है, अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुश? मेरी जिंदगी तमाशा बनी हुई है, मैं रोज जीती हूँ रोज मरती हूँ, और आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे खुश होना चाहिए? देखो तुम जो भी कहो, मैं उमर को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगा। नहीं
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है। मुझे किसी से कोई बदला लेना ही नहीं है। क्या बात है रोशनी, क्यों ऐसे कह रही हो, कोई परेशानी है क्या? पता नहीं, दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ होने वाला है। मैं नहीं जानती क्या। ऐसा कुछ नहीं होगा रोशनी, तुम खामखा वहम कर रही हो। अल्लाह करे। खैर हम इंतजार करी होंगी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना।